क्या बोलना चाहती हैं जो सेब देते हो? अभी एक पेटी भिजाई दी। पिसा हुआ नमक, कटे हुए सेब और ये रही लोकेशन खाने। हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, बड़े दिनों बाद आप आज का ब्लॉग देख रहे हैं मेरे घर से। अभी मैं बैठा हूँ अपने घर की छत पे, तो सामने का व्यू आपने देखा कि धुंध धुंध छा चुकी है। हालांकि धूप अभी लगी है और उसके साथ धुंध भी आ रही है। देखो, धुंध हमारे खेतों से होके ऊपर वाली तरफ आ रही है और इधर वाली साइड मामलारी का की धार पूरी ढक चुकी है। भैणुधार इधर है, पूरी ढक चुकी है और सामने ये वाले खेत हैं। अब थोड़े टाइम बाद ढक जाएंगे। दोस्तों, धूप इतनी अच्छी निकली है, जाऊंगा नीचे ब्रेकफास्ट करने और मिलाऊंगा आपको मम्मी से भी बड़े टाइम बाद। दोस्तों, ब्रेकफास्ट 7 बजे बन जाता है। ये कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट दूसरी बारी, है ना मम्मी? पहले हमने दूध पी लिया, उसके बाद थोड़े बहुत कुछ खा लिया हमने और अब 8 बजे हम कर रहे हैं दूसरी बारी ब्रेकफास्ट। दोस्तों, हमारा ब्रेकफास्ट जो होता है 7 बजे, ठीक एग्जैक्ट 7 बजे ब्रेकफास्ट बन जाता है। 12, 1 बजे लंच और 8 बजे डिनर, है ना मम्मी? ठीक है। जो तू हाँ देख रहे हैं लोग तीन क्या बोलना चाहे, नमस्ते 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 सब जो है। आज चन्न छठिया बटी है मम्मी, ना चन्न छठिया बटी आज सावन महीना खत्म ही कल आज का तारीख थी 17। हां आज खत्म ही गया सावन महीना, ना तो सावन महीना दोस्तों खत्म हो चुका है और अब होगी जन्माष्टमी स्टार्ट। बाद मम्मी और मैं जाएंगे घास लाने के लिए अब, है ना मम्मी? और तब तक हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भैंसों के लिए धुआं हमने डाल दिया दोस्तों, मक्खी मच्छर से बच जाएंगी और मम्मी पिला रहे हैं इनको पानी और उसके बाद चल जाएंगे हम सीधा घास के लिए। सब कुछ हाल हो चुका है हमारी मक्की का और बड़ी तेज तूफान हवा चली थी, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था। उस दिन हमारे खेतों में ऐसा कुछ हाल हुआ, ये देखो। हालांकि कुछ कुछ मक्की अब खड़ी हो चुकी हैं और आधी तो टूट चुकी हैं। देखो, शायद वीडियो में आपको पता नहीं लग रहा होगा बट ये देखो इतनी बैंड हुई है मक्कियाँ सारी। तो ये किसान की मेहनत और ये छोटे छोटे देखो घर के केले, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है फिर रिजल्ट ऐसे भयानक होते हैं। दोस्तों, रिजल्ट इतने भयानक होते हैं देखो कि पूरी मक्की की फसल एक तूफान एक हवा से तहस नहस। इतना घास हमने काट दिया है, आप सामने देख सकते हैं। मम्मी बांध रहे हैं पुल्ले और एक घास की गड्डी में घर छोड़ के आ जाता हूं और एक नई चीज़ दिखाता हूं आपको। नई चीज़ क्या, आप लोगों ने अगर हिमाचल से हैं इस बात बखूबी जानते होंगे क्या चीज़ है। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दोस्तों कुरी। अभी ये कच्ची है, जब ये पक जाएगी दोस्तों तो इसको अगर कपड़े में लगा दें ऐसे ये, तो ये छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। पर जब ये पक जाती है, अभी ये हरी है तो ये देखो ये भैंसों के खाने लायक, मम्मी मैं इसे खाने लायक नहीं होता है ना कि दे हमें इसे जो खा लें। हाँ, मतलब अनवांटेड घास है दोस्तों, हरा है तो भैंस खा लेगी।
बाडू से मुझे गिफ्ट दिए हुए सेब और केले के पत्र में हम आज खाएंगे। हालांकि मैंने त्रिअमली के पत्र लाए थे, वो सामने आप देख सकते हैं त्रिअमली के पत्तल, बट आज केले के पत्र में खाएंगे क्योंकि बहुत सारे साउथ इंडियन जो होते हैं दोस्तों वो केले के पत्र में खाना खाते हैं। इडली, डोसा, चावल, दाल केले के पत्र में खाते हैं, तो मैंने आज सोचा कि हम केले के पत्र में खाएं। और थैंक्स टू भीम अंकल जिन्होंने मेरे को सेब गिफ्ट किए। आपने देखा होगा दोस्तों पिछला ब्लॉग बाडू वाला, मेरा कॉलेज वाला, और कॉलेज के साथ बड़ी सारी यादें जुड़ी हैं, बड़े सारे दोस्त हैं जो अब कहीं नहीं मिलते हैं दोस्तों। कोई कद्दू का फ्रेंड हो कभी मिल जाते हैं, हालांकि बात तो फ़ोन पे बात तो कईयों से होती है बट मिलते कोई नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है, कोई कहाँ बिजी है, कोई कहाँ बिजी है। तो ये दोस्तों तभी मैं बोलता हूँ, हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि अपने कॉलेज को जी भर के जियो, अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ जी भर के जियो क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाली। और ये रहे सेब मैंने काट दिए हैं, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ नमक। ये देखो ओह ज़्यादा गिर गया, पिसा हुआ नमक और कटे हुए सेब। और ये रही लोकेशन खाने की वहाँ। इससे स्वादिष्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती, और बाडू के सेब वाह क्या ही बात है, बड़े टेस्टी होते हैं दोस्तों। थोड़े थोड़े खट्टे हैं, थोड़े मीठे हैं, पर लाजवाब टेस्ट है। टेस्ट हम बहुत बड़ी मीठा मीठा ना, पति ना क्या बनना चाहती ने जैसे सेब देते हूँ पर वो अभी एक पेटी पे जाए दिया। देख लो दोस्तों मम्मी की बातें, मम्मी ने नहीं बोला कि बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमारे लिए सेब भेजे। चलो तो मम्मी बोल रहे हैं, पर मम्मी बोल रहे हैं कि अगली बारी बहुत धन्यवाद, से भी राजी रहो। हाँ पर वो हाई कोर्ट पेटी है ना, पर वो हाँ वो दे दो। देखो मम्मी फ्यूचर प्लान बहुत करते हैं दोस्तों, मम्मी बोल रहे हैं कि अगली बारी फिर सेब देना हमारे को। घर की तरफ उनकी मच्छर बड़ा बुरा करते ना, मम्मी मच्छर बड़े ज्यादा है ना। चलते हैं दोस्तों फिर घर की तरफ। दोस्तों दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी मम्मी को, और आज मम्मी ने डाला है नया सूट। मैं खड़े क्योंकि आज मम्मी ने दोस्तों नया सूट डाला है। ये देखो आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि मम्मी को कैसा लगा नया सूट। ये देखो नई चुनरी नया सूट है मम्मी, और ये तो मम्मी बांग के लग रही, पर आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा तुम्हें मम्मी नया सूट। और आज चल रही मम्मी चन्नन छठीर बटी हमारे ननिहाल में, और मैं निकल रहा हूँ दोस्तों एक और नई यात्रा पे जो आप आने वाले कुछ ब्लॉग में देखेंगे। तो यूं ही मेरे चैनल पहाड़ी जिंदाबाद को आप अपना प्यार आशीर्वाद जरूर देते रहें। ठीक है मैं ना ला जायो कर दूंगा फोन, जल्दी पहुंच चुका ना कर दिया फोन ने कर क्या बोल दिया मैं। हां ठीक ठीक है, ना ना बैठना नहीं है, वो बैठ रहा है। टीचर है तुम्हारा, किधर है टीचर? जेबटी टीचर कहाँ? बलड़ा बारी चौकी सुंदरनगर सारी चीज घुमाई रहा। अच्छा थे? अच्छा मैं ले हाथ खड़ रहे तू है मैडम जीते ही ताए शांता कुमार था मुख्य। कौन जीते तू हरे अंगेश कौन जीते है मैडम? क्या नाम है तेरा? है नीला शर्मा। नीला शर्मा जीती है। तू किस खाते खड़ रहे, कौन सी पार्टी के थे आप? मजदूर दल। अच्छा अलग ही पार्टी बना दी थी आपने? अच्छा फिर मैंने उसको डोमिनेट किया। अच्छा को खत्म किया, और आज दिन तक वो चलिए भाजपा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनंतराम भारद्वाज। हाँ जी अनंतराम भारद्वाज। अनंतराम भारद्वाज घर मेरा अम्बलेगा था। अच्छा दादू जी थी बकरी चला रहे हैं। हाँ बकरी चला रहा, और ये बोल रहा है रोड इन्हें निकाल रहा, ये जो रोड तुम देखे ये रोड इन्हें निकाल रहा बोलिया तुम्हें, मतलब तुम्हारे द्वारा रोड
संगठन मैंने किया शांता कुमार ने मुझे कहा तो खुद अच्छा लंतरंत की देन से मेरी पार्टी खुद आई है अच्छा तो ये मैडम बनी गई फिर मंत्री ठीक 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 बहुत अच्छा फिर मैंने बरद्वारा शुरू किया है छोड़ दिया आपने फिर छोड़ दिया मजदूर पार्टी खत्म हो गई आपने जो खड़ी की थी मतलब जान देने फिर मैं आगे रहना पीछे इतना प्रिंसिपल रिटायर हूँ अच्छा 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 पार्टी से जुड़ गया फिर वहाँ से फिर पार्टी को स्थाई किया है अब पार्टी खत्म हो जाएगी क्या अब किसको सपोर्ट करते हैं बीजेपी या कांग्रेस को मैं नरेंद्र मोदी की ओर विकास की ओर लहर देखता हूँ और बाकी जो इसके तत्व हैं वो अच्छे नहीं बोलते महंगाई तो बड़े बड़े बुरा हाल फ्लायर है अब महंगाई का मुद्दा कम करने का मेरे पास प्रयास था अच्छा अगर मुझे लोगों ने की है उसके महंगाई का कम था महंगाई नहीं खत्म क्योंकि इसने कर्जा उठाया बहुत अरबों खरबों के हिसाब से तानी मानी ले गए धन को साथ ये तो खोखला व्यवहार करते हैं कि अखबारों में देते हैं मेरे बजाते उंगलाई गए सर्दी सबको नहीं होती थी पहले व्हाट इज द मैटर ऑफ द कंडीशन सर्दी आपको भी होती है मुझे भी होती है क्या वो उससे हम घृणा करते थे इन्होंने एक मुद्दा बनाया अच्छा अच्छा सपोर्ट आप बीजेपी को करते हैं पर आपको इनके कुछ चीजें पसंद नहीं है इनकी जो बातें हैं ना कुछ व्यवहार है वो कुछ और टाइप का है अच्छा अच्छा गलाना कुछ और करना कुछ और नरेंद्र मोदी बड़ा अच्छा आदमी है अभी मैं पहुंचा हूं इस प्यारी सी लोकेशन पे आप समझ दे सकते हैं आमने सामने पहाड़ियां हैं और बीच में खड्ड बह रही है और उसके साथ में है रोड तो ऐसा सुंदर है हमारा हिमाचल और बरसात के मौसम इसकी खूबसूरती और भी दुगनी हो जाती है और पीछे से दादू से मैं गपशप मार रहा था और पता नहीं दादू जी सच बोल रहे झूठ बोल रहे मुझे नहीं पता दोस्तों तो बता रहे थे कभी वो 1990 में MLA के लिए खड़े हुए थे तो पार्टी को लाइक तो करते हैं बीजेपी को बट उनको कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं है जिसके बारे में वो मुझसे बात कर रहे थे तो ऐसी कुछ कन्वर्सेशन मैं बुजुर्गों के साथ करता रहता हूँ और आप लोगों को ये कैसी लगी तो आपने जरूर मुझे कमेंट करके बताना है ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए तब मैं आपसे अब लेता हूँ अलविदा इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देता हूँ आप आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा आप अपना ध्यान रखें स्टे सेफ स्टे हेल्थी जय हिंद जय हिमाचल